सो हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पीटी क्लासेस। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको 300 वीडियोस की अप्रोक्सीमेटली प्लेलिस्ट दे रखी है स्पोकन इंग्लिश की, और मुझे लगा यार ये 300 वीडियोस तो बहुत है हमारे बच्चों के लिए। पर मैंने रियलाइज किया जब मैंने वीडियोस नहीं दिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग के, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस नहीं आ रहे, इंटरव्यू बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आ रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर आ रही है, पर सर हमें स्पोकन इंग्लिश पर वीडियोस चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, वैसे हमने आपके लिए 7 डेज का कोर्स बना रखा है, 21 डेज का कोर्स बना रखा है, 70 डेज का कोर्स बनवा रखा है, इवन फोर्टनाइट कोर्स बनवा रखा है, सब कुछ आपके लिए यूट्यूब पर हमारे द्वारा स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस दे दिए गए हैं। पर स्टिल हमारे बच्चों को चाहिए कि कुछ नया, राइट, कुछ डिफरेंट। बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आपकी बात मानेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है वो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, और वो कब पॉसिबल है, जब आपको नई नई चीज देते रहें, तो हम उसके लिए रिग्रेट करते हैं और अब आपको कमी नहीं आने देंगे स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस में। आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते जाइए, मजा आएगा आपको। देखिए सबसे पहली बात बड़े छोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश से लगाव डालिए, यानी कि हर चीज जो भी आप सोच रहे हो इंग्लिश में सोचिए। अब बच्चों को प्रॉब्लम कहां आती है, दो वर्ड्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है, आज मैं उसके शेयर अप करूंगा। देखिए बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हैव कहां लगाना है, हैज कहां लगाना है, डिड कहां लगाना है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है कि डिड और हैव, यानी कि ये दो प्रॉब्लमेटिक्स हमें बहुत तंग करती है। तो देखो बच्चों, अगर आप कहते हो सर मैं डिड को कहां यूज करूं, तो डिड को हम हमेशा वही यूज करेंगे जहां सिंपल पास्ट का क्वेश्चन पुटअप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि कल मैंने पिज्जा खाया था, पिज्जा नहीं बोलते, पिज्जा बोलते, बहुत बार सिखाया, प्रोनंसिएशन के कम से कम 20 वीडियोस आपको दे रखे हैं, होप आपने सारे देखे होंगे। अब मैं बोलता हूं कल मैंने पिज्जा खाया था, अब यही अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं तो मैं बोलता हूं क्या तुमने कल पिज्जा खाया था, तो डिड यू ईट पिज्जा, क्यों, क्योंकि ये बात पास्ट टेंस की है। आप नोटिस करिए, ये सिंपल पास्ट की बात है, मगर अगर मैं कहूं क्या मैं इस लाइन को हैव में बना सकता, तो मैं नहीं बना सकता, यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता, यहां पर हैव का प्रयोग करके मैं इस लाइन को नहीं बोल सकता। तो इस हैव का प्रयोग होता कहां है, देखो अगर मैंने बोला कि क्या तुमने कल पिज्जा खाया था, बिल्कुल मैं बाउंड हूं, या था, ये थे, आ था, ई थी, प्रोनंसिएशन पकड़ो, लास्ट के वर्ड्स पकड़ो, इसकी पहचान पकड़ो, क्या तुमने कल पिज्जा खाया था, या था, ये थे, ये थी। अरे भाई सिंपल पास की पहचान है, सिंपल पास की, इसमें तो डिडी लगेगा। बट अगर मैं आपको बोलता हूं क्या तुमने पिज्जा खाया है, या फिर मैं बोलता हूं क्या तुमने कभी पिज्जा खाया है, तो लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है, राइट। अब यहां पर हम पहचानेंगे कि यहां क्या लगेगा, तो हैव यू ईटन पिज्जा, और कभी तो लाइन बन जाएगी हैव यू एवर ईटन पिज्जा। तो आप नोटिस करिए स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस पकड़ते हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, असल में जब हम परफेक्ट टेंस को पकड़ते हैं, यानी कि सिंपल मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पकड़ेंगे, उसको हम अक्सर बुक्स में देखते हैं, चुका है, चुके है, लिया है, दिया है, गया है, ये सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मगर अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि काम अभी अभी खत्म हुआ हो तो हम उसके लिए हैज हैव लगाते हैं। क्वेश्चनिंग के लिए हम डिपेंड करता है कि हम इस लाइन को कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं क्या वह कल कलकत्ता गया था, या वह कल कलकत्ता गई थी, तो हम हैव नहीं लगाएंगे, ना ही हैज लगाएंगे, हमें डिड लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आया है, कल। एडवर्ब ऑफ टाइम कहीं भी मिले, एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर से सुनिए, आप डिड ही प्रयोग करेंगे, इसका मतलब डिड शी या ही, जो भी लाइन है, डिड ही गो टू कलकत्ता यस्टरडे, क्या वह कल कलकत्ता गया था, डिड ही गो टू कलकत्ता यस्टरडे, या डिड ही डिपार्ट फॉर कलकत्ता यस्टरडे, बस में, ट्रेन में जाने के लिए आप डिपार्ट वर्ड यूज करते हैं, आपने सुना होगा मुझसे कई बार, डिपार्ट बस वगैरह, ट्रेन वगैरह डिपार्ट करते, राइट। और अगर आप कहते हैं सर इसमें भी कुछ नया, तो बिल्कुल आपके पास और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो आप इनके लिए यूज कर सकते हो, विजिट लगा सकते हो, राइट। तो डिपेंड करता है हम किस लाइन को कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम फिर से चलते हैं इस डिफरेंस की तरफ और मन से समझ लेते हैं, वो ये है कि यदि हमें सिंपल पास सीखना है तो हमें पहचान पकड़नी पड़ेगी, या था, ये थे, आ था, ए थे, ई थी, यानी कि इससे रिलेटेड कभी भी लाइन आएगी तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर हम डिड लगाते हैं तो डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसने एप्पल खाया था, डिड ही ईट एन एप्पल, एट नहीं लगेगा यहां पर, ईट ही लगेगा।
मगर हैज हैव के साथ तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। चलिए हैज हैव वाली लाइन लेती है, लेते हैं हम। क्या वह एप्पल खा चुका है? क्या उसने एप्पल खा लिया है? क्या वह एप्पल खा चुका है, लिया है? क्या उसका एप्पल हो गया है? इन सब लाइंस में हम देख रहे हैं कि यहां पर काम अभी अभी हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम हैज और हैव करेंगे, तो यहां पर हैज लगाएंगे। हैज ही ईटन एन एप्पल, तो हमने यहां पर क्या यूज किया, हमने यहां पर ईटन यूज किया, तो ईट एट ईटन। तो हैज हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो हमें कुछ कुछ अंदाज हो गया होगा कि डिड कहां यूज करना है और हैज और हैव कहां यूज करने हैं। अब अगर मैं हैज और हैव को कंपेयर कर रहा हूं तो शायद आप अच्छे से जानते हैं कि आई वी यू दे प्लुरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा और ही शी इट सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा। चलिए एक लाइन बोलते हैं और आपको मजा आएगा सुनकर, राइट। चलिए लाइन बोलते हैं, मैं लाइन बोल रहा हूं, मैंने, चलिए इंग्लिश में बोलता हूं ये लाइन, देखते हैं सही है कि गलत है। आई हैव कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड इन द ईयर 2000। चलिए अब मुझे ये बताइए 2010 में मैंने क्या पास करा, ये तो आप समझ गए, राइट। आई हैव कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड इन द ईयर 2000। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अल्टीमेटली ये लाइन देखकर आपको लग रहा है कि इस लाइन की इंग्लिश कुछ ना कुछ बन जाएगी, मगर आपको बताता हूं यहां एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखो 2000, 2010, 2001, 2002 एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है। ये परफेक्ट कैसे हो सकता है, ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम है। दुनिया में कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो वो लाइन कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, वो सिंपल पास्ट ही बनेगी। तो देखो आई कंप्लीटेड ना कि आई हैव कंप्लीटेड लगेगा, तो आप ध्यान दीजिए मैंने जो लाइन बोली आई हैव कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड इन द ईयर 2000 या फिर 2010 या 2001, आप नोटिस करिए यहां पर ये वर्ड हम नहीं यूज कर सकते, हैव हैज नहीं यूज हो सकता, हमें यूज करना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं आई कंप्लीटेड तो आपने ईडी की डिड की जगह यहां पर ईडी लगा दिया, बस ये भी सही है। मगर इस लाइन में और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग इसमें आई डिड कंप्लीट, ये भी गलत नहीं होता, तो बट हम इसको यूज नहीं करते, हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की कोशिश करते हैं, एग्री करते हो ना। तो हम नोटिस करेंगे कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम लेगा हो तो हम उसमें हैज और हैव नहीं लगाएंगे। हाँ, यदि कभी कोई क्वेश्चन हो जो काम अपने पूछ रहे हो, जैसे क्या तुम कभी वहां गए हो, हैव यू एवर गोन देयर, राइट, क्या तुम ये करते हो, क्या तुमने किया है, यस हैव यू डन दिस, तो आपने क्या किया, आपने हैज हैव और डिड की तरफ सम्मिलित होकर इन लाइनों को बनाया, तो आपसे गलती कभी होएगी नहीं। डिपेंड करता है कि आप किन चीजों को मिलाकर लाइंस बनाते हैं। होप स्टूडेंट्स ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा और आप बहुत कुछ सीख गए हैं। हैज हैव और हैड के बारे में तो एटलीस्ट आप कंफर्म हो गए।